और अभी आपके बताएं, डीजे साइंस कॉलेज के तलबा एक बार फिर सराबा एहतजाज, सड़क ब्लॉक करने की धमकी दे दी। सिंध सेक्रेटरीट और डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस के दफ्तर का घेराव करने का इंदिया भी दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा सैयदा जीनत से। जी जीनत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डीजे साइंस कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और तलबा की बड़ी तादाद इस वक्त फिर सराबा एहतजाज है। रातों रात जो है वो प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया है, साथ साथ चार प्रोफेसर ऐसे हैं जिनका तबादला भी कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर तलबा तंजीम कमेटी के कुछ नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और आज के एहतजाज का मकसद क्या है। कल रात के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जिसके अंदर डीजे के चार सीनियर तरीन प्रोफेसर, जो कि 20 ग्रेड के चार प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी जूलॉजी और एचओडी मैथमेटिक्स, इन चारों टीचर्स को रात में ट्रांसफर कर दिया गया। इनकी कोई रिप्लेसमेंट अभी तक इंतजामिया देने में नाकाम रही है। डीजे की फैकल्टी जो कि पहले ही 67% कट डाउन करने के बाद 39 तक आ गई थी, 42 तक आ गई थी, अब मजीद ये चार टीचर्स की कमी के बाद ये फैकल्टी 39 तक ड्रॉप हो गई है। डीजे में क्लासेस इस वक्त मुसलसल मुतासर हैं, कोई क्लासेस इस वक्त मुनक्किद नहीं हो रही। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट इंक्रोच्ड है, एमएससी के ब्लॉक के ऊपर मुसलसल इंतजामिया इस कोशिश के अंदर है कि यहाँ पर अथॉरिटी कायम करके सरकारी दफातर बना दी। जो रातों रात असाज़ा और जो प्रिंसिपल का तबादला किया गया है उसके बाद जो है वो सराबा एहतजाज है और सेक्रेटेरिएट के अलावा डीजे कॉलेज का घेराव भी कर सकते हैं। जी।